दोस्तों नमस्कार भाई, आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसी ट्रिक विथ मेडिसिन देने वाला हूं जो कि आपका डॉग चाहे किसी भी ब्रीड का है उसके हेयर्स एकदम से ग्रोथ करते रहेंगे, एकदम से शाइनिंग करते रहेंगे और उसका जो स्किन कोट है वो किसी भी सूरत में खराब नहीं होगा। चाहे वो कोई सा भी डॉग है, किसी भी ब्रिड का है, हर सूरत में ये फॉर्मूला गजब का वर्क करेगा। भाई करना क्या क्या है, पूरी बातें विथ डिटेल और विथ रिजल्ट आप लोगों को मैं बताने वाला हूं। तो देखिए, नंबर वन काम क्या करना है, जब भी स्किन रिलेटेड हमें कोई सा भी सुधार करना हो तो उस समय हमें अच्छा सा पहला डिवॉर्मर यूज करना है। डिवॉर्मिंग के लिए जो सब जगह मिलने वाली टेबलेट है जिसका नाम है नियोमैक, यानी आइवरमेक्टिन की 10 mg की टेबलेट आती है जो 15 से 20 किलो पर एक टेबलेट काम में ली जाती है। बहुत गजब का रिजल्ट इसका रहता है। तो एक टेबलेट आपको यूज करनी है, 1 tablet 15 से 20 kg बॉडी वेट के हिसाब से आप इस कंडीशन में दे सकते हैं। अलग अलग कंडीशन में मेडिसिन की डोज थोड़ी बहुत बदल सकती है, वो आपके पशु चिकित्सक अपने विवेक से थोड़ा बहुत इधर उधर कर देंगे, तो उनकी सलाह से ही आपको इस्तेमाल करवाना है। जितने भी मेडिसिन मैं बता रहा हूं वो मेडिसिन आपको उनकी सलाह से ही इस्तेमाल करवाना है, ये विशेष ध्यान रखिएगा। मैं जानकारी के लिए वीडियो दे रहा हूं ताकि आप जानकार रहें कि यार कैसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है, क्या क्या चीजें हैं जो दी जाती है, सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो ये होगी पहली चीज। अब देखिए, आप कहेंगे नहीं सर मैं तो नियोमैक से नहीं करूंगा, किसी और से करूंगा। आराम से कर सकते हैं, अच्छा ब्रांड लीजिए, बेस्ट ब्रांड लीजिए, कोई सा भी बेस्ट ब्रांड आप यूज कर सकते हैं, नो टेंशन, बिल्कुल अच्छा ब्रांड। जैसे भाई ड्रोनटाल की आती है छोटों के लिए पप्पी, ड्रोनटाल पप्पी के नाम से आती है, बड़ों के लिए ड्रोनटाल प्लस के नाम से आती है, इजी पैट सिरप भी आती है तो इजी पैट टेबलेट भी आती है, कोई सी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्रांड अच्छा होना चाहिए, ठीक है, तो वो आप कर सकते हैं तो बढ़िया रहेगा। स्किन को ग्रोथ करवाना है, शाइनिंग हेयर्स हमें पाना है, इस हेयर्स की ग्रोथ करवानी है तो भाई जरूरी है कि आप पहला काम करें। दूसरा, जब ये किया जाता है तो ये तो दोनों देखो, इनका दोनों का तो चोली दामन का साथ है, लीवर टॉनिक और डिवॉर्मिंग, इनका तो दोनों का चोली दामन का साथ है। यानी जब भी डिवॉर्मिंग करवाई जाएगी लीवर टॉनिक तो अगले 10 दिन देना ही देना है, रोज नहीं देना है, 10 दिन देकर के रुक जाइए, फिर अगले महीने में चाहें तो आप और दे सकते हैं। आप कहेंगे सर डोज क्या रखें, तो इसकी डोज 5 से 10 ml आप रख सकते हैं, 5 से 10 ml इसका इस्तेमाल पर डे करवाया जा सकता है। लिव 52 पेट, आप किसी भी कंपनी का कोई सा भी ले लीजिए। तो पहला काम यह है हेयर ग्रोथ करवाने के लिए, जो मैं हर वीडियो में आपको बताता हूं कि नॉर्मल जो वर्क है वो यही है आपको करना है। इसके बाद सेकंड क्या है, सेकंड है वो सारे के सारे विटामिन और मिनरल दीजिए जो कि जरूरी है, जो कि जरूरी है स्किन के लिए, वो सारे के सारे दीजिए, जिसमें विटामिन मिनरल्स हो, इसके साथ साथ ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड्स भी हो, इसके साथ साथ सारे वो सप्लीमेंट हो जिसकी कि स्किन कोट के लिए, हेयर ग्रोथ के लिए जरूरत होती है। क्या क्या है भाई, वो सारे इसमें है जिसका नाम है विटा बेस्ट डर्म। अगर आपको विटा बेस्ट डर्म ना मिले कोई दिक्कत नहीं है, कोई सी भी अच्छी कंपनी की मल्टीविटामिन जो कि हेयर्स के लिए बहुत गजब का काम करने वाली है उसको आप इस्तेमाल करवा सकते हैं, ठीक है। अब देना कितना है साहब, इसको भी वही 5 से 10 ml रोज, छोटों में 5, बड़ों में 10, रोज देते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डोजेज मैंने कहा पशु चिकित्सक थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकते हैं, तो वो आप उनकी सलाह से सेट कर लीजिए। ब्रिड चाहे कोई सी भी है, 250 ml की ये आती है और बहुत अच्छी ये आती है, तो आप इसका इस्तेमाल इजीली करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी में मिला करके दे दीजिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सिरेन से अंदर डालें। कई बार क्या होता है कि सिरेन से जो मुंह में डालते हैं ना, तो मुंह में सिरेन से डालते हैं, जितने में
थोड़ी सिरिंज मान लीजिए दब गई ज़्यादा तो तेज़ चली जाती है, तो वो फिर फेरिंग्स में जा करके आगे लेरिंग्स में जा सकती है, मतलब कि ड्रेंचिंग हो सकती है, यानी फेफड़ों में दवा जा सकती है। तो ऐसी कंडीशन से बचने के लिए क्या करेंगे आप, आराम से या तो ड्रॉपर की मदद से दीजिए, ड्रॉपर क्या ड्रॉप ड्रॉप डालेगा है ना, वो एकदम से सिरिंज से क्या एकदम से चली जाती है, तो आप ड्रॉपर की मदद से इजीली दे दीजिए, या किसी भी जो खाना खिला रहे हैं उसमें आप मिला करके दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके डॉग इजीली ले लेंगे, ठीक है। तो ये सबसे जरूरी चीज है वेटाबेस्टर्म, जिसका इस्तेमाल करके आप हेयर को अच्छा रख सकते हैं। इसके बाद अगली जो बात आती है ना, वो आती है फ्रेंड नारियल के तेल की। भाई वाह, नारियल का तेल तो ये मान लो स्किन के लिए तो वरदान ही है। डबल एक्शन फॉर्मूला ये यूज करते हैं हम, जो यूज करते हैं डबल एक्शन फॉर्मूला। अब आप कहेंगे सब डबल एक्शन फॉर्मूला कैसा है, तो डबल एक्शन फॉर्मूला का मतलब है कि नारियल का तेल चमड़ी पर भी एज ए मालिश मसाज किया जा सकता है, यानी चमड़ी के ऊपर भी मसाज के रूप में लगाया जा सकता है। तो इसका इस्तेमाल आप पेट में खिलाने के लिए भी कर सकते हैं, भाई बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप 5-5 ml रोज वर्जिन ले आइएगा, जब खिलाते हैं तो वो मिक्स वाला नहीं चलेगा, वर्जिन लेकर के आ जाइए और वो वर्जिन 5-5 ml रोज आप खिलाना शुरू कर दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा स्किन के लिए, बहुत ही शानदार वर्क करता है। और थोड़ा सा हाथ पर लिया, अच्छी तरीके से उसके स्किन कोट पर लगा दिया, तो लगाने से भी भाई गजब का वर्क इसका होने वाला है। तो नारियल का तेल भी कम नहीं है, इसका इस्तेमाल भी आप जरूर करेंगे। इसके बाद क्या लिया है भाई ने, कुछ भी नहीं है, यानी अब आपको क्या करना है, कुछ टिप मैं आपको देता हूं, वो क्या क्या है। पहला है कि अपने डॉग को चाहे मौसम कोई सा ही है, गीलापन दूर रहे, ये पहला काम आपको करना है, यानी गीलापन किसी भी सूरत में उसको नहीं होना चाहिए, ये विशेष ध्यान रखिए। अगर वो गीला रहा, बार बार गीले में बैठ रहा है, या कुछ भी जैसे नमी वाली जगह पर रह रहा है, तो भाई सारी व्यवस्थाएं जो हमने की है, सारी मेडिसिन हमने दी है, सब व्यर्थ हो जाएगी। तो गीलेपन से उसको दूर रखिए। दूसरा, साफ सफाई का ध्यान रखिए। देखो ये तो एक महत्वपूर्ण टॉपिक हमेशा है ही है, अगर आप साफ सफाई का ध्यान नहीं रखेंगे ना, तो भाई स्किन प्रॉब्लम तो तय है, ये तो तय है। तो साफ सफाई का पूरा ध्यान रखिए, उसे गंदा मत होने दीजिए, ताकि बार बार उसको नहलाना ना पड़े। नहलाने की जो बात नंबर 3 आई है ना, नहलाना, इस बात को भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि अगर गर्मी का मौसम है तो सप्ताह में एक बार, और अगर सर्दी का मौसम है तो महीने में एक बार नहला दो ना यार, बाकी साफ सुथरा रखो, क्या प्रॉब्लम है। अगर मान लो बीच में गंदा हो भी गया तो 15 दिन से नहला दो, लेकिन नहलाने का भी शेड्यूल जो है वो आपको अच्छा रखना है। इसके बाद अगला और चौथा जो पॉइंट आ रहा है, लास्ट ही कहूँगा यार, अब बहुत हो गए, ये पॉइंट जो है नहलाने का, साफ सफाई, गीलापन सब हो गया है, तो एक हम लग देते हैं और वो है भाई कॉम्ब करना। कॉम्ब यानी कि कंघी करना, ये कंघी करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप अपना डॉग जो भी नस्ल है उसकी कॉम्बिंग आप जरूर कीजिए, कंघी आप जरूर कीजिए, उसकी मसाज करेंगे, कंघी करेंगे, तो भाई उसकी स्किन जो है वो शानदार रहेगी। स्किन के ऊपर आपको पता है जब कॉम्ब घूमता है ना, उसको बहुत अच्छा लगता है, और स्किन की जितनी भी वेसल्स है, नर्व्स है, वो बहुत अच्छा काम करने लग जाती है, और फिर स्किन एकदम से शानदार हो जाती है, और शानदार ही हमें करना है। अगर आप डॉग रिलेटेड ऑल ओवर जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं डॉग ट्रीटमेंट पूरा का पूरा कंप्लीट में सीख लूँ, कंप्लीट में जान लूँ कैसे बीमारियाँ होती है, कैसे रोकते हैं, तो रामावत एनिमल ऐप पर चले जाइए, डॉग क्लास में जाकर के आप जितनी भी बीमारियाँ हैं उनको आसानी से सीख सकते हैं। अगर आप डॉग कैनल चलाते हैं, डॉग प्रैक्टिशनर है, तो आपके लिए तो बहुत शानदार रहेगा। या फिर व्हाट्सएप करके भी आप डॉग ऑनलाइन सेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो हर महीने की 11 तारीख से शुरू होता है।